BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम रचित राणा है, मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने करियर की शुरुआत एक जूनियर पोजीशन पे दिल्ली NCR में शुरू की। मैं एक प्राइवेट कंपनी में वर्किंग था, जहां पे 3-4 साल काम करके मैं एक सीनियर पोस्ट पे पहुंचा। उसके बाद मैंने थोड़ी और मेहनत करी और मेरे सीनियर्स के सपोर्ट की वजह से मुझे मैनेजर पोस्ट अपॉइंट हो गया। जब मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली तो मेरे पास एक अच्छी जॉब थी, एक अच्छी पोजीशन थी, एक अच्छे फंड आना शुरू हो गए थे सैलरी के व्याप पे। स्मूथ लाइफ चल रही थी, रोज पार्टी शार्टी, आउटिंग, ट्रैवलिंग, ये सब चल रहा था। इसी बीच में मेरे घर से कॉल आया और मुझे किसी कारणवश अपने घर वापस जाना पड़ा। तो मैंने सोचा 1-1.5 महीने का काम है, मैं उसे निपटा के चला। लेकिन जब घर गया तो टाइम ज्यादा लग गया। इसी बीच मेरी कंपनी की तरफ से कॉल आया कि आप हमें कब ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे आप 1 हफ्ते का टाइम होती थी, मैं ज्वाइन कर सकता, बट वो टाइम एक्सटेंड हो गया और मुझे मजबूरन बस अपनी कंपनी में रिजाइन डालना पड़ा। इधर होम टाउन में मेरी सेम लाइफ चल रही थी जैसी मेरी दिल्ली NCR में चल रही थी, डेली आउटिंग करना, दोस्तों के साथ चिल मारना, ये सब करना। इसी बीच में मैंने एक इवेंट प्लान किया। जब मैंने इवेंट प्लान किया तो उसके लिए फंड चाहिए थे, तो मैंने कहा फंड्स की कोई टेंशन ही नहीं है, रात को आराम से खुशी खुशी हम सारे यार दोस्त हो गए। मैंने कहा नेक्स्ट डे मैं फंड विड्रॉल करूंगा और उस इवेंट को कर लूंगा। दोस्तों, नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग उठा और मैं ATM पे गया। मैंने जैसे ही अपना ATM विड्रॉल के लिए स्वैप किया मशीन में, तो देखा उसमें मैसेज मिला इनसफिशियंट फंड का। मैं शॉक था, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। जब मैंने विड्रॉल मिनी स्टेटमेंट निकाली तो पता लगा कि मैं पिछले 3-4-5 महीनों में बहुत सारा पैसा खर्च करता चला गया। दोस्तों, वो इंसिडेंस ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, मेरा बैंक अकाउंट खाली था। मैं परेशान हो गया, मुझे इवेंट पोस्टपोन करना पड़ा, मेरे सारे यार दोस्त मेरे से नाराज होकर चले गए। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना परेशान देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जो गलती तुम कर चुके हो उस गलती को दोबारा मत करो और तुम अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करो। तो उसके लिए जाहिर सी बात था मैं परेशान था कि क्या करूं, मम्मी से पैसे उधार लूं या दोबारा से कंपनी ज्वाइन करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा से कंपनी ज्वाइन करता हूं, क्योंकि आगे भी ये प्रॉब्लम कभी ना आए इसका सोल्यूशन तो चाहिए। मैं कंपनी के लिए ज्वाइन करने के लिए मैं दिल्ली वापस आया, मैंने अपने कलीग से बात करी। जब मैंने अपने कलीग को पूरी कहानी बताई और मैंने बोला यार मैं ऐसे ऐसे शॉक दूं, तो उसने मुझे मिस्टर विनय शर्मा जी का नाम सजेस्ट किया। मेरे कलीग ने मुझे बोला कि आप विनय शर्मा जी से बात कीजिए, वो बहुत अच्छे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आपकी लाइफ के लिए सही है। नेक्स्ट डे मैंने विनय शर्मा जी से मीटिंग की। जब मेरी विनय शर्मा जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने जब मेरे बारे में जाना तो उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हैं, आपने कुछ भी नहीं प्लान किया हुआ है, ना अपने करंट के बारे में, ना अपने फ्यूचर के बारे में, ना अपनी फैमिली के बारे में। मैं शॉक्ड था, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले आप सेविंग्स करना स्टार्ट किए, अगर आपके पास सेविंग्स ही नहीं होंगी तो आप कैसे प्लान करेंगे, कैसे इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया इस इंसिडेंट के बाद कि अब मुझे सेविंग्स करनी है, एनी हाउ कुछ भी हो, मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से जितना मैक्सिमम मैं सेव कर सकता हूँ वो पार्ट में जरूर सेव करूंगा, अपने करंट पोजिशन के लिए, अपनी करंट सिचुएशन के लिए, आने वाले जो भी मेरे फ्यूचर प्लान हैं उनके लिए। जाहिर सी बात है 1-2 साल में मैं मैरिज करूंगा, उसके बाद मेरी फैमिली बढ़ेगी तो उनके लिए हम क्या करेंगे। तो विनय शर्मा जी ने फिर मुझे मॉरल सपोर्ट भी दिया, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया। विनय शर्मा जी ने फिर जो प्रपोजल्स मुझे दिए उनसे सबसे पहले मेरी सेविंग्स स्टार्ट हुई। 1-2 साल के बाद मेरी शादी हो गई, उसके बाद 1 साल के बाद मेरा बेटा हुआ। फिर बेटे की एजुकेशन के लिए विनय शर्मा जी ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे क्या प्लान करना चाहिए। इसी बीच में जब हमारी ये सेविंग्स के प्लान चल रहे थे और विनय शर्मा जी से मेरी बातचीत चल रही थी, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि मेरे रिटायरमेंट के लिए भी कुछ बुलाइए, आज प्राइवेट कंपनी है, कल को मैं जॉब नहीं रहेगी तब मैं क्या करूंगा। तो विनय शर्मा जी ने फिर मेरे रिटायरमेंट के प्लान्स के लिए भी मुझे प्रपोजल दिए, वो किया। तो आज इन सब चीजों के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो गलती मैंने पहले की थी पिछले 4-5 सालों में, जो मैंने पैसा वेस्ट किया था, वो मैं अब नहीं कर रहा हूं। आज जो मैं पिछले 5-6 सालों से लगातार सेविंग्स करता चला रहा हूं, इस वजह से आज मेरे पास एक अच्छे फंड्स हैं, आज मेरा बेटा हायर एजुकेशन के लिए बिल्कुल सिक्योर है, आज कल को मेरी जॉब नहीं रहती है तो भी मेरे पास फंड के क्राइसिस नहीं आएंगे, मेरा बिल्कुल एकदम रिटायरमेंट प्लान सेट है और मैं बड़ा सिक्योर फील कर रहा हूं, मैं फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर फील कर रहा हूं।
इस कोरोना जैसे पैंडेमिक में जो आज आया है, किसी को नहीं पता था, ना मुझे पता था ना आपको पता है, लेकिन आज मैं इस पैंडेमिक में भी जो स्मूथ जिंदगी जी पा रहा हूँ, जो आराम से रह पा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इस फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रह पा रहा हूँ। मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर विनय शर्मा जी को कि आज उन्हीं की वजह से मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहा हूँ। मेरे फ्यूचर्स एकदम सिक्योर्ड हैं, मेरे पास फंड्स का कोई इशू नहीं है और आज मैं अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर फील कर रहा हूँ। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।